नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 दिसंबर बुधवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड में बड़ा हादसा हुआ। यहां यूरिया इकाई में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसकी चपेट में आने से 2 अफसरों समेत 14 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को शहर के एक अस्पताल में भेजा गया, जहां असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह व डिप्टी मैनेजर अभिनंदन की मौत हो गई। 12 अन्य को शहर स्थित अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अजमेर जिले के किशनगढ़ की रामनेर पुलिया के पास बीती रात दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शतविक्षत हालत में पड़े शवों को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि चारों मृतक आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। यह सभी कार में सवार होकर जयपुर की ओर से आ रहे थे कि रामदेव पुलिया के पास आगे चल रहे ट्रक से कार जा टकराई। हादसे में कार में सवार पाली सुमेरपुर निवासी दलपत सिंह, महुआ दोसा निवासी ऋषिकेश मीना व 2 अन्य की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों की खून पसीने की कमाई हड़पने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ लगातार आ रही शिकायतों को सीएम गहलोत ने गंभीरता से लिया है और उन्होंने अधिकारियों को ऐसे सोसाइटियों पर शिकंजा कसने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि जरूरत पड़े तो पैसा वापस दिलाने के लिए कानून में भी बदलाव किया जाए। सीएम ने कहा कि गांव ढाणी तक इन सोसाइटियों ने अपना जाल बिछाकर गरीब लोगों को ठगा है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो यह सुनिश्चित करें और इसके साथ साथ वर्तमान प्रकरण में एसओजी सहकारिता विभाग आदि प्रभावी कार्रवाई अमल में लाए। जयपुर शहर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र के अखेपुरा स्थित 7 साल की एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद हत्या का मामला सामने आया है। करीब 8 घंटे से लापता बच्ची का शव उसके पड़ोस में रहने वाले चाचा के घर मिला। यह शव घर के ही एक कमरे में लोहे के ड्रम के नीचे दबाकर छिपा रखा था। मामले में पुलिस ने बच्ची के चाचा को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि शराब के नशे में बच्ची को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई, ऐसे में दुष्कर्म कर हत्या की और शव को घर में ही छिपा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर जिले के चोमू थाना क्षेत्र के अमरसर इलाके में एटीएम लूट का प्रयास होने की जानकारी सामने आई है। चोरों ने पीएनबी बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। हालांकि एटीएम लूट की वारदात अमरसर पुलिस की सतर्कता से बच गई। पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान देखा कि एक युवक पीएनबी एटीएम के पास कोट व स्वेटर एटीएम के बाहर रखकर एटीएम में घुसा हुआ था। कपड़े देखकर शक होने पर पुलिस ने आरोपी युवक अमर सिंह को हिरासत में ले लिया। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। नागौर जिले के लाडू थाना क्षेत्र के बाकलिया से कोयल जाने वाले सड़क मार्ग पर बेड़ गांव के पास सड़क के एक तरफ खड़े खड्डे में डाले हुए मिले अधेड़ महिला के शव के मामले को पुलिस ने सुलझा दिया है और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया और पुलिस के चैनल के माध्यम से महिला की पहचान सुरपालिया निवासी भवरी देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बेटे ने ही अपनी माँ की हत्या कर दी थी। मामले में मृतका के इकलौते बेटे श्रीराम जाट और मृतका की पौत्री के ससुर पूसाराम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में यह सामने आया है कि मृतका के बेटे ने संपत्ति विवाद को लेकर अपनी ही माता की हत्या कर दी। पुलिस जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र में तेजाब से भरा टैंकर पलट गया। यह टैंकर पल्लू मुख्य बस स्टैंड पर पलटा। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि टैंकर से धुएं का रिसाव हो रहा है। धुएं के कारण आमजन को सांस लेने में परेशानी हो रही है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस टैंकर को सीधा करने का प्रयास कर रही थी। भरतपुर जिले में पिता और ताऊ एक नाबालिग बेटी की शादी कराने पर तुले हुए हैं। 14 साल की ये बेटी पावर लिफ्टिंग में नेशनल चैंपियन है। शादी का विरोध करने पर पिता ने मां और बेटी को घर से निकाल दिया। मां बेटी शिकायत लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के पास पहुंचे। शिकायत पर पिता और ताऊ दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कोटा जिले के स्टेशन के रेलवे यार्ड में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से 40 साल के युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है।
लॉकडाउन अवधि में सरकारी स्कूलों में पकाए जाने वाले पोषण आहार के रूप में खर्च होने वाली कुकिंग कन्वर्जन राशि इस बार खर्च नहीं हो पाई। मार्च से स्कूल बंद होने के कारण स्कूलों में पोषण आहार की सामग्री पकाई नहीं जा सकी। अब इस बची हुई राशि से विद्यार्थियों को दाल मसाले का कॉम्बो पैक देने की तैयारी है। प्रदेश में 30 जून तक की अवधि के लिए 57 लाख से अधिक विद्यार्थियों को यह पैकेट देने के लिए मिड डे मील आयुक्तालय ने राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी है। आयुक्तालय ने 3 चरणों में यह पैकेट वितरित करने की योजना बनाई है। पहले चरण में 14 मार्च से 30 जून तक के 94 कार्य दिवसों की अवधि की बची हुई कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट से यह पैकेट वितरित किए जाएंगे। जयपुर जिले के चंदवाजी थाना पुलिस ने सड़क दुर्घटना में मृतक तथा घायलों को अस्पताल ले जाते समय उनके सोने चांदी के जेवरात चोरी करने के मामले का बड़ा खुलासा करते हुए एम्बुलेंस कर्मचारी सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात व मोबाइल सहित अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। घटना में बाद मृतक तथा घायलों को एम्बुलेंस से निम्स अस्पताल में पहुंचाया गया था। मामले के अनुसंधान के दौरान मृतका के परिजनों ने बताया कि घर से रवाना होते समय करीब 1 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण पहनकर गई थी तथा मोबाइल और पर्स में भी रुपए लेकर गई थी, जो कि मृतका की लाश के साथ नहीं मिले। पुलिस ने मामले में सद्दाम हुसैन और मोहनलाल गुज्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कोटा जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में पतंग उड़ाते हुए एक 12 वर्षीय बालक छत से गिर गया। हादसे में घायल बालक को गंभीर हालत में परिजनों ने कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती करवाया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि यह मामला थाना क्षेत्र के BMV आवासीय योजना में सामने आया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।